अभी सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्टिश टेक्नोलॉजी चैनल को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो स्वागत है आपका टेक्टिश टेक्नोलॉजी चैनल में। जैसा कि हम सभी दोस्तों जानते हैं कि हमारा नया लैपटॉप हो या थोड़ा पुराना लैपटॉप हो, कुछ दिनों के बाद हैंग मारने लगते हैं। पुराने लैपटॉप में तो ये आमतौर पर हैंग मारते हैं, नया लैपटॉप तो कुछ पुराना होता है तो वो भी हैंग मारने लगता है। तो ये हैंग मारने की समस्या को हम कैसे दूर करें, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसे फिक्स करें और अपने लैपटॉप को अच्छे तरीके से यूज करें। कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं जिसके कारण लैपटॉप आपका हैंग हो जाता है, वो गलतियां भी मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको लैपटॉप कैसे फिक्स करना है और कैसे लैपटॉप आपका तेज काम करे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट रहता है तो और भी हैंग मारने लगता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है, तो इस इशू को हम फिक्स करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या करना हो। तो अपने विंडोज़ में जाइए, फिर सेटिंग्स, मेरा विंडोज़ 10 है, अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करिए। आपको विंडोज़ अपडेट सेक्शन में चले जाना है। जैसे कि देख सकते हैं मुझे एक अपडेट आया हुआ है विंडोज़ 10 की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये लगभग 4.5 GB का अपडेट है। स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग डाउनलोड, जैसे कि जानते हैं पेंडिंग डाउनलोड लिख रहा है। ये क्या होता है कि जब आपका नेट कनेक्शन ऑन रहता है और आपका ब्रॉडबैंड से कनेक्ट रहता है तो ये डाउनलोड होने लगता है। ये डाउनलोड होगा तो ये 4.5 GB का है, कुछ आपका MB भी खाएगा, स्पीड भी नेट की धीमी होगी और आपका लैपटॉप तब तो हैंग हो गई, साथ ही ये बैकग्राउंड में चलता भी रहेगा, बैटरी भी आपकी यूज होती रहेगी। आप सोचेंगे हमारी बैटरी कैसे खाली हो गई, MB कैसे खाली हो गया, इसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले से मिनिमाइज कर देना है। यहाँ बैटरी सेवर दिख रहा है, तो अगर आपका ऐसा इंटरफेस आता है बैटरी सेवर का डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इसको नीचे ले जाइए, आप बैटरी आपकी सेवर ऑन हो जाएगा। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका भी हमारे पास इलाज है। नोटिफिकेशन बार में चले जाइए, आप यहाँ सिंपल एक बैटरी सेवर का ऑप्शन दिख जाएगा, क्लिक कर देना। अब आप सोचेंगे कि इसने केवल बैटरी सेवर मोड ऑन कर दिया, ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। विंडोज़ हमें ये सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जब हम बैटरी सेवर मोड ऑन करते हैं तो आपके प्रोसेसर को ये पता चल जाता है कि आपके लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो रही है, कोई आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ख़त्म हो जाएगी, आपका इम्पोर्टेंट काम नहीं हो पाएगा, बीच में रुक जाएगा। तो ये क्या होता है, आपके बैकग्राउंड की एक्टिविटी को सारी बंद कर देगा। जब बंद हो जाएगा तो आपका जो नेट कनेक्शन यूज़ कर रहे होंगे उसकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, अच्छी आने लगेगी, साथ ही साथ बैकग्राउंड में सारे ऐप रन कर देगा, बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी इंटरनेट स्पीड भी बढ़ेगी, आपका लैपटॉप हैंग भी नहीं होगा और साथ ही साथ आप जो फ्रंट में यूज करेंगे वही ऐप रन करेगी। जिससे सिंपल आप समझ ही गए होंगे, इससे आपका लैपटॉप हैंग होने से रहा। सब्सक्राइब करिए टेक्टिश टेक्नोलॉजी चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपकी ये ऐसी टिप्स जो आपके बिल्कुल काम है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।